किरदार है, किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। आदित्य वर्धन का किरदार प्ले कर रहा हूँ फिल्म में और फोटोग्राफर का रोल निभा रहा हूँ फिल्म में। एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ, स्ट्रगलिंग हूँ जैसे जिंदगी में हूँ, स्ट्रगल कर रहा हूँ लाइफ में कुछ बनने के लिए, वैसे ही फिल्म में भी कुछ बनने की कोशिश कर रहा हूँ। और कैसे सारे रिश्ते तोड़कर बाउंड्रीज को क्रॉस करके ये लड़का अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करता है, और जब अचीव करता है तो रियलाइज़ करता है कि अपनी ज़िंदगी में वो कितना अकेला है टॉप पर। इस तरीके से इस लड़के का करियर कैरेक्टर ग्राफ जो है वो आगे बढ़ता है फिल्म में। कितना रिलेट किया आपने किरदार से, जैसे कि आपने कहा कि मैं रियल लाइफ में भी जितना स्ट्रगल कर रहा हूँ उतना फिल्म में भी कर रहा हूँ, तो कितना रिलेट किया आपने? नहीं, एब्सोल्युटली यार, मैंने एक फिल्म की थी 2009 में जश्न, जिसका टैगलाइन मुझे बहुत पसंद था, जो कहता था कि एवरी नोबडी वॉन्ट्स टू बिकम अ समबडी। तो ये एक आम इंसान की कहानी है, अपने करियर में कुछ ना कुछ कोई ना कोई हमेशा बनना चाहता है। तो जहाँ तक रिलेटिबिलिटी का सवाल है, डेफिनेटली एज आई सेड कि प्रोफेशन अलग है फिल्म में, लेकिन स्ट्रगल तो वही है, इंसान कुछ जिंदगी में अचीव करना चाहता है, तो डेफिनेटली देयर वाज रिलेटेबिलिटी इन द कैरेक्टर। सारा व्हाट यू वांट टू से अबाउट द कैरेक्टर? मेरे लिए थोड़ा अलग था क्योंकि मैंने मर्डर 3 में कुछ अलग किया था, फिर बरखा एक मेरी फिल्म आई थी, और फिर ये एक ऐसी लड़की की कहानी थी जिसको पता नहीं है कि उसके अंदर टैलेंट है और उसे पता नहीं है कि खूबसूरत है या कुछ भी। तो मैं भी आई वॉज़ अ टॉप बॉय एट माई चाइल्डहुड, तो मुझे सब ने बोला तुम बहुत फोटोजेनिक हो, मैंने बोला यार मेरे को फोटोग्राफ से बहुत प्रॉब्लम है, यू नो। सो वो शायद छोटी छोटी चीज़ें थी जिससे मैंने कनेक्ट किया, और म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा था सबसे पहले, तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स लाइक आजकल सॉन्ग्स हमें अच्छे लगते हैं, और कभी फिल्म कैसी बनती है और कभी बहुत कमाल फिल्म बनती है, लोगों से कनेक्ट नहीं करती, तो आई थिंक ये सब ऑडियंस के ऊपर है कि उन्हें फिल्म कैसी लगेगी। लेकिन जो ग्राफ है स्टोरी का वो बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी इमोशंस हैं, और बेसिकली आज के दौर में हम लोग सब इतने ज़्यादा बिजी हैं कि टाइम ही नहीं मिलता अपने लिए, अपने रिश्तों के लिए। इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि शायद हर चीज़ आपका साथ छोड़ देगी, लेकिन जो रिश्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं उनको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक दैट लाइन आई रियली लाइक्ड अबाउट द फिल्म। काफ़ी समय ले लिया फिल्म में रिलीज़ होने को? नहीं, हाँ, एक साल आई थिंक। फिल्म का एक सफ़र होता है, फिल्म पहले तो प्री प्रोडक्शन स्टेज में होती है, फिर ऑब्वियसली शूटिंग स्टेज पर आती है, उसके बाद बहुत सी चीज़ें, बहुत से फैक्टर्स हैं, जैसे कि हम सब जानते हैं आज थिएटर्स गिने चुने हैं और फिल्में इतनी सारी बन रही हैं आज, स्पेशली खासकर की छोटी फिल्में जहाँ पर इन्होंने शाहरुख और सलमान ह्यूज स्टार इन द फिल्म, यू नो इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर अ फिल्म टू रिलीज़, और बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं दाद देता हूँ इनकी। इन्होंने ऑब्वियसली इनके ब्लड स्वेट पैसा, बहुत मेहनत लगती है एक फिल्म बनाने में, उसे रिलीज़ करने में, और ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म अगर अच्छी नहीं होती तो ऑडियंस उसे 2 सेकंड में रिजेक्ट कर देती है। बट लेकिन हाँ, आई थिंक 1 ईयर इज आई थिंक अ डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम कि फिल्म प्री प्रोडक्शन स्टेज से बने और उसके बाद रिलीज़ हो। आई डोंट थिंक कि फिल्म डिले इतनी हुई है। नहीं, डिले क्या, कोई भी फिल्म, आई डोंट थिंक, हाँ, एक साल तो लगता है जाने के लिए, तो थोड़ा टाइम तो लगता है। पोजीशन अगर अच्छी बनानी है तो, बिकॉज थिएटर्स मिलना मुश्किल है ना आज, मतलब आप अगर देखें तो ये इस फ्राइडे को भी फिर रजनी जी की फिल्म है, और फिर इरफान सर की फिल्म है, और फिर एक हॉलीवुड इज टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस, अ लॉट ऑफ बिजनेस, और फिर रीजनल सिनेमा भी है, मराठी फिल्में भी है, तो वेयर डू वी गो, यू नो। तो यू नो हम लोग यही होप करते हैं कि वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड हो फिल्म का, और लोग फिल्म को पसंद करें, तो ऑटोमेटिकली फिर शोज हैं जो बढ़ जाते हैं। जैसे आपने समय दिया है फिल्म में, साथ ही फिल्म का प्रमोशन भी काफ़ी कम हो रहा है, जी अभी काफ़ी कम दिन बाकी है, तो इसका क्या रीज़न है? नहीं, अच्छा, रीज़न कुछ नहीं है। मुझे आज, मैं जॉन इब्राहिम का एक इंटरव्यू पढ़ रहा था अभी, आई थिंक ही गेव एन इंटरव्यू फॉर डिशुम, तो बोल रहे थे कि यार इंडस्ट्री जो है एक ऐसे फेज से गुजर रही है जहाँ पर एवरीथिंग इज जो बोलते हैं ना टिपिकल प्रमोशन, कि आज हम 4 सिटी जाएंगे, वहाँ पर बैठेंगे, बातें होंगी, और हम फिर मॉल में जाएंगे, हाथ हिलाएंगे। अगर मॉल में जाने से लोग फिल्में थिएटर्स के अंदर आ जाते, सारी फिल्में जो है वो सर मॉल में पूरा दिन बैठते, तो ऐसा नहीं होता है। आई थिंक एक फिल्म की जो एक एनर्जी है, एक फिल्म का जो वाइब है, पहले प्रोमो में पता चल जाता है, जब गाना रिलीज होता है, बिकॉज गाने सॉन्ग्स आर अ बिग पार्ट ऑफ अ फिल्म फ्रेटर्निटी नाउ, तो उसे देखकर ऑडियंस बोलती है यार इसे देखना है या नहीं देखना, सिंपल एज दैट। द फर्स्ट प्रोमो, द फर्स्ट लुक मैटर्स अ लॉट फॉर द फिल्म, और बाकी आई थिंक इट्स फेस्ट, यू नो, यू गो अराउंड प्रोड्यूसर के पास, आज जब वो इतनी मेहनत से एक प्रोड्यूसर खड़ा होना चाहता है, उसे कहा जाता है कि अगर आपके पास 7-8 करोड़ रुपये नहीं है प्रमोशन करने के लिए, तो प्लीज़ सामने भी मत आइए, बिकॉज आपकी फिल्म दिखेगी भी नहीं। सो इट्स रियली अनफॉर्चुनेट, यू नो, कहाँ से लाएगा आदमी, यू नो, 6-7 करोड़ रुपये बनाने में लगते हैं, फिर 6-7 करोड़ से रिलीज़ करने में लगते हैं, और फिर ऑडियंसेस अंदर नहीं आती है, एंड देन यू आर बेरिंग अ लॉस ऑफ 15 करोड़, 14 करोड़, इट्स टफ। मैंने हार्टलेस बनाई, एक खूबसूरत फिल्म थी,
अब उस फिल्म को थिएटर्स नहीं मिले, सो व्हाट डू यू डू? द फिल्म डजंट इवन गेट अ चांस टू ग्रो। ऑडियंस तो फिर यही कहती है हाँ फिल्म फ्लॉप हो गई, बस बोलना बहुत आसान है लेकिन उस फिल्म एक फिल्म को क्या क्या डिफिकल्टी झेलनी पड़ती है, ये बहुत मुश्किल है लेकिन लोग नहीं समझते इस बात को। अध्ययन अध्ययन की बात करें तो इस क्लिक कितनी उम्मीद है इस फिल्म से अध्ययन को, और कहते हैं कि यूं ही खामोश क्या हुए, लोगों ने कैसे कैसे फसाने बना दिए, बहुत दिन हो गया क्या कहना जी? नहीं बिल्कुल सर, आई थिंक उम्मीद मुझे हर फिल्म से होती है बिकॉज मैं हर फिल्म में जाकर मेहनत करता हूँ, चाहे वो एक बड़ी फिल्म हो या छोटी फिल्म हो, मेरे लिए फिल्म होती है और विद इन द गिवन बाउंड्रीज लिमिटेशंस में आपको फिल्म मिलती है बिकॉज इस इंडस्ट्री में चढ़ते सूरज को सलाम है, उन्हीं लोगों को वो सारे बिग बजट्स वो सारी चीज़ें मिलती हैं, विच इज़ फेयर इनफ बिकॉज यहाँ पर इट्स ऑल अबाउट कमर्शलिज्म, पीपल नीड टू मेक मनी। और उम्मीद है, आई होप कि लोग इस फिल्म को पसंद करें बिकॉज आई डोंट नो कि इफ आई वुड वांट टू से मेरे बुरे वक्त में, बिकॉज आई डोंट थिंक दिस इज मेरा बुरा वक्त है बिकॉज नहीं तो कोई मुझे मेरे साथ फिल्म नहीं बनाता, बट ऑब्वियसली किसी ने मुझ पर पैसा लगाया है, एक सोलो हीरो फिल्म कर रहा हूँ मैं, तो मैं यही चाहूँगा कि मेरे प्रोड्यूसर जो हैं दे रिकवर देयर मनी सो दैट शायद मेरे साथ नहीं लेकिन कल वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, किसी और के साथ इससे भी बड़ी फिल्म बनाना चाहते हैं। आई होप दे गेट दैट चांस बिकॉज क्या है एक प्रोड्यूसर निराश हो जाता है जब उसकी फिल्म बिल्कुल नहीं बॉक्स ऑफिस पर पैसा कमाती है। आई जस्ट होप ऑफ कोर्स फॉर अजय जी एंड फॉर सारा फॉर अस ऑल ऑफ अस दैट द फिल्म डज वेल। और जहाँ तक आपने साइलेंस की बात की, खामोशी की बात की, आई थिंक खामोशी बहुत कुछ कह देती है, सो आई बिलीव इन बीइंग साइलेंट समटाइम्स इन लाइफ। अध्ययन के ऊपर हमेशा से आरोप लगता रहा है कि अध्ययन प्रोड्यूसर की जेबें पहले देखते हैं, बैंक बैलेंस क्या है प्रोड्यूसर का। अच्छा, क्या सच्चाई? कौन किसने आरोप लगाया? मैं तो किसी को नहीं जानता। सूत्रों से खबरें आई, सूत्रों से खबर कौन है यहाँ पर? कौन है सूत्र? ओके, अध्ययन मेंशन ट्वाइस यू नो कि थिएटर नहीं मिलते हैं, थिएटर नहीं मिलते हैं। शेखर जी की बात करें, वो खुद इंडस्ट्री का इतने सालों से हिस्सा रहे हैं जी। एक वक्त था जो फिल्म मेकिंग बहुत चुनिंदा लोगों को बताती है, मनमोहन देसाई, प्रकाश वक्त पिक्चर यू नो 25-25 हफ्ते चलती थी, सिल्वर गोल्डन जुबली का दौर होता था, 3 दिन में मालूम पड़ जाता है। आपको लगता है कहीं ये जो मोनोपोली चली आ रही है जहाँ से बड़े बैनर्स पूरा थिएटर या पूरा यू नो ले लेते हैं स्क्रीन, उसको तोड़ना चाहिए? नहीं, बिल्कुल तोड़ना चाहिए बिकॉज अभी सारा ने बहुत अच्छी बात कही कल जब हम एक इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि सेराट जैसी फिल्म अगर उस स्टार कास्ट को लेकर आप कहीं जाएं, कोई डायरेक्टर किसी के पास कहे कि सर इसमें ज़रा 10 करोड़ रुपए लगा देना, शायद कोई उन्हें एंटरटेन भी ना करे, लेकिन आज करेंगे बिकॉज उस फिल्म ने अननोइंगली 100 करोड़ रुपए कमा दिए। इसलिए कंटेंट वर्क्स लेकिन कंटेंट के ऊपर भी आज लोग नहीं, इट्स नॉट अबाउट कंटेंट, कंटेंट के ऊपर भी लोग थिएटर नहीं देते हैं आज। आई एम सेइंग कि फिल्म अच्छी होती है लेकिन उसको थिएटर्स कौन देगा? बिकॉज एक फिल्म को आज जैसे कि आपने कहा कि ग्रो करने के लिए पहले फिल्में 25 हफ्ते चलती थी, एटलीस्ट एक हफ्ते तो दीजिए, एटलीस्ट 4 शो तो दीजिए। आज बिकॉज एक बड़ी मोनोपोली एक मल्टीप्लेक्सेस में है, और मल्टीप्लेक्स में तो आप भूल जाइए, शोज तो मिलने नहीं आपको। तो जो आप नहीं आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट, आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई एम अ प्रोड्यूसर, मैंने मेरी लास्ट फिल्म बनाई है, मैंने अगली भी फिल्म प्रोड्यूस करने वाला हूँ, को प्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो आई एम जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। इट्स डिफिकल्ट टू गेट शोज एंड एग्जिबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स शुड बी अ लिटिल मोर काइंड टूवर्ड्स पीपल हु आर न्यू, दैट्स इट, आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट एनीबडी। लारा आपसे जानना चाहेंगे इस क्लिक से। लारा सर वो अपना नाम एक बार ऑलरेडी बदल चुकी है, फिर ना बदले। सारा जैसे ही फिल्म इंडस्ट्री को पता चला कि सारा फिर से कमबैक कर रही है, सभी 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 लोगों ने एक साथ ये कहा कि मेरे अंदर में सारा का क्या काम है। क्या कहना चाहिए? नहीं पता नहीं, कम बैक तो नहीं, बट आई थिंक आई एम आउटसाइडर, और यहाँ एक दूसरी जगह पे आना जब आके कोई आपका मेंटोर नहीं है, कोई आपको पुश नहीं कर रहा, सो आपको इस तरह के बेबी स्टेप्स लेने पड़ते हैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए एज एक्टर, तो तब शायद आप अपने कैरेक्टर को ज़्यादा देखते हैं, अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके पास जो चॉइसेस आती है उसमें जो आपको बेटर लगता है और जिससे आप कनेक्ट होते हैं, जिस स्टोरी से आप वो करते हैं, और कौन सी फिल्म कब हिट हो जाएगी आपको पता नहीं, तो आपके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मूव ऑन करते रहे, और ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया या पता नहीं, मैं तो ज़्यादा सुनती नहीं, लेकिन आई थिंक एज एन एक्टर मुझे खुद को अभी ग्रो करने के लिए बहुत सारा काम करना ज़रूरी है, सो आई कांट डिसाइड एनीथिंग राइट नाउ। ओके, प्लीज कंटिन्यू। नहीं नहीं, मैंने कहा मैं ही डिसाइड नहीं कर सकती, तो कोई और डिसाइड कर रहा है, तो दैट्स देयर चॉइस। ओके, 3 दिन रह गए और इस 3 दिन में क्या प्लानिंग होगी, क्योंकि बहुत कम वक्त है फिल्म को प्रमोट करने के लिए, 22 को फिल्म रिलीज हो रही है, एज ए मेंशन ना पोस्ट है, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? देयर बी अ सिटी टूर और यू विल बी हियर इन मुंबई प्रमोटिंग योर फिल्म ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म? नो, आई थिंक आई विल बी इन, आई थिंक वी विल बी इन मुंबई। आई थिंक व्हाट मैटर्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कॉन्टेंट बहुत मैटर करता है, मैं कहीं भी चले जाऊँ, कोई भी देश में चले जाऊँ, कोई भी कंट्री चले जाऊँ, लेकिन आई थिंक कि जब ये फिल्म का प्रोमो आया था, जब गाने आए थे, तो लोगों ने, जिन लोगों को देखनी है नहीं देखनी, उन लोगों ने अपना मन ऑलरेडी बना लिया,
तो इट डजेंट मैटर नाउ. लेकिन हाँ, एक लेवल पर जो जो करना पड़ता है, प्रमोशन करना पड़ता है, ऑब्वियसली मीडिया के बगैर वी कांट गेट एनीवेयर, वी कांट रीच आउट टू द वर्ल्ड, यू नो. तो हम थैंकफुल हैं कि आप लोगों का सपोर्ट रहता है हमेशा. और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो अजय जी कर रहे हैं, बट आई फील कि हर फिल्म का एक बजट होना चाहिए, हर फिल्म की एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि लोगों तक कैसे पहुंचाएं उसे. हर फिल्म के नॉट बी इक्वल, के नॉट बी द सेम. आई यू इन टॉक्स विद कपिल, कपिल शर्मा फॉर द शो टू बी देयर फॉर द प्रमोशन? आई वुडंट नो. आर यू इन टॉक्स विद कपिल सर? आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट. आई वुड लव टू बी अ पार्ट ऑफ कपिल शर्मा शो एनी टाइम, बट आई थिंक अभी थोड़ा सा इस बार लेट हो गया है. मैं एक्चुअली माय ग्रैंड मॉम इज नॉट कीपिंग टू वेल, तो मैं थोड़ा सा अवे रहा हूँ. बट आई थिंक ये जानते हैं कि आपने बात की. नई फिल्म बहुत अच्छी बनी है और म्यूजिकल लव स्टोरी है, मूवी है. और अध्ययन और सारा ने बहुत ही अच्छा काम किया है और इनके लुक की हर तरफ तारीफ हो रही है. और मैं तो चाहूँगा कि इनका जो लुक हो सबको पसंद आए और फिल्म हमारी दर्शक जाके देखें. मेरी तो बस इतनी तमन्ना है कि थिएटर तक लोग आए और फिल्म को देखें.